जो लोग ज़्यादा सिटिंग करते हैं उनको नेक और बैक पेन की प्रॉब्लम रहती रहती है। अब उससे बचने के लिए मैं आपको तीन बेस्ट एक्सरसाइज बताता हूँ। सिंपल, आप जब सिटिंग करते हैं, ज़्यादा आईटी सेक्टर वाले हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, या कभी भी आप ऑफिस में बैठे हैं, तो आपने थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना। एक तो पहला, खड़े होने से ही आपकी जो स्पाइन है वो एक शेप ले लेगी, फ्लेक्शन से पूरा एक्सटेंशन में चली जाएगी। एक तो ये काम करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, इस तरह से आपके पास दीवार होती है या अपना जो भी है, दीवार के साथ भी लग सकते हैं या आपके पास जो डोर होता है तो डोर के साथ आपने क्या करना है, इस तरह से लग जाना है। अब उसमें आपने साइड पे अपना ध्यान रखना है, ये जो हेड है, हेड वाला एरिया, उसके बाद आपकी अपर बैक वाला एरिया, उसके बाद टेल बोन, इस तरह से आपने इसको लगा लेना है। कोशिश करिए कि अगर आपकी हील भी टच कर सकती है साथ में, तो आपने इस तरह से, और चिन को टक इन करना है, ऐसे नहीं लगानी, चिन को थ्रोट के साथ लगा के उसके बाद आपने इस तरह से खड़े हो जाना है। इसको आपने कम से कम 2 मिनट के लिए आपने ये पोजीशन में खड़े होना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका अपर बैक का पोस्चर अच्छा हो जाएगा, नेक का पोस्चर अच्छा हो जाएगा, और जो स्पाइन है जो सारा दिन फ्लेक्शन में रहती थी वो एक्सटेंशन में चली जाएगी, आपको इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। सेकंड एक्सरसाइज है, क्योंकि हम बैठे रहते हैं, शोल्डर्स जो राइटिंग करते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके फॉरवर्ड शोल्डर्स भी जो प्रॉब्लम करते हैं, तो पेक्टोरल टाइट हो जाते हैं जिससे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने क्या करना है, इस तरह से दहलीज पे आके, हमने दरवाज़ा होता है जहाँ पर डोर होता है वहाँ पर आके एक पैर आगे निकाल के अपनी बॉडी को, अपना जो पेल्विस है उसको आगे को शिफ्ट करना है ऐसे। और यहाँ पे आपको इतना अच्छा स्ट्रेच आएगा कि जितने भी आपके मसल्स हैं वो ओपन अप हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो जितनों जो भी लोग सिटिंग कर रहे हैं वो ध्यान से सुने कि ये वाली जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी हेल्पफुल है। इवन के जिनके आर्म में या हाथों में टिंगलिंग होती है, कोई भी सेंसेशन होती है, नमनेस होती है, उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसमें हमने क्या करना है, इसी तरह से फर्स्ट पोजिशन में आ जाना है ऐसे। उसके बाद सामने जो डोर होता है, ऑलमोस्ट इतना ही सबका डोर होता है, तो इसके साथ हमने इसको पुश करना है ऐसे, पुश करके अपनी स्पाइन जो अपर बैक होती है उसको पीछे की ओर पुश करना है, और साथ में ऐसे फ्रंट से, ताकि इसका जो फोर्स है वो शिफ्ट होकर पीछे की ओर आए। तो ये एक्सरसाइज हमने साथ में करनी है। जब आप पुश करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी अपर बैक, क्योंकि ये क्या करेगा, इसने अपर बैक जो हमारा पोस्चर ऐसे फॉरवर्ड हो जाता है, हमारा जो कहते हैं हम कुब निकल गया या थोरेसिक स्पाइन जो है वो काइफोटिक पोस्चर में आ जाती है, इस पोजीशन को ठीक करने के लिए एक तो हमने ऐसे रख के ये जो है ना इसके ऊपर ये जो पीछे वाला हमारा सपोर्ट है ये इसको फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन देगी, यानी कि फोर्स आगे को लगाएगी। तो क्या करें, काउंटर फोर्स है वो आगे से आ रहा है और इसको जो हमने स्टेबिलिटी दी हुई है, तो इससे क्या होगा, हमारी स्पाइन को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमने तीन एक्सरसाइज करनी है। जिनकी भी ज़्यादा सिटिंग है और वो चाहते हैं कि हमें नेक बैक, अपर बैक, लोअर बैक से परेशान नहीं होना है और फ्यूचर के लिए हमें अच्छा रहना है और हमेशा काम करते रहना है, तो ये आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। इसको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको, सिर्फ 5 मिनट। अगर आप घंटों काम करना चाहते हैं तो आपके लिए 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मिनट आपको अच्छा काम भी करवाएंगे और आपकी जो हेल्थ है उसको भी अच्छा रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लीग से, अपने जो फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में कोई भी आपके रिलेटिव्स में अगर वो सिटिंग जॉब ज़्यादा करते हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ये 5 मिनट जो है उनको बहुत हेल्दी रख सकते हैं और उनकी स्पाइन को बहुत अच्छा रखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारा इंस्टाग्राम पेज sukoon.physical.therapy को फॉलो जरूर कर लीजिए। उस पर इस तरह की हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।